हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये न्यू ईयर वाले दिन का है, मतलब न्यू ईयर वाले दिन का नहीं, 31 का है। तो उस दिन जो है न्यू ईयर पार्टी थी और यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो करीबन 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। तो कपड़े वगैरह धुले थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, सोफ़े कवर वगैरह ये सारी चीज़ें आज चेंज कर और मशीन लगा दी थी। एक तरफ जो है कपड़े धुल रहे थे, एक तरफ मैं अपना बाकी का काम ख़त्म कर रही थी। तो बस यहाँ पर पोछा लगा दिया है, नहाने के लिए चली जाऊँगी उसके बाद में। और इधर बाहर जो है पार्टी की तैयारियाँ होने लगी हैं, तो यहाँ पर जो पंडाल है वो लगने लगा है और यहाँ पर जो भी काम है मतलब वो सारे हो रहे हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। और ठंड बहुत ज़्यादा थी उस दिन, बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पर आग वगैरह जो है इन लोगों ने जला रखी है। तो बस यहाँ पर जो कपड़े मुझे शाम को पहनने हैं वो मैं प्रेस कर रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर रख दिया, उसके बाद जो है मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम के करीबन जो है 4 बज रहे हैं और यहाँ पर खाना बनाने वाले भैया करीबन 3 बजे करीब आ गए थे, तो इन्होंने सारी तैयारी वगैरह की और खाना बनाने लगे हैं। और इधर में जो है भैया वगैरह सारे लोग आ गए हैं और यहाँ पर सभी लोग मिलकर जो है थोड़ी सी सजावट वगैरह कर रहे हैं। तो पंडाल लगा गए थे भैया और उसके बाद जो है ये लोग लग गए हैं सजावट में। तो बलून वगैरह सारे फुला लिए हैं इन्होंने और इधर जो है सजावट होने लगी है। तो बस सारी तैयारियां जो है इन्हीं लोगों ने सबने मिलकर की, तो नीचे सारी तैयारियां हो गई हैं और करीबन 6 बज रहे हैं, मैं तैयार होने लगी थी। और देखिए यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े आज सुबह धुले थे लेकिन धूप नहीं थी बिल्कुल भी, तो जो है कपड़े सूखे नहीं हैं, लेकिन मैंने अंदर डाल दिए हैं, मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा सूख जाएंगे और कल फिर से मैं वापस डाल दूँगी। और यहाँ पर भैया जो है नीचे खाना वाना बना रहे हैं और इधर में मैं तैयार हो रही हूँ। तो बस जा रहे हैं, थोड़े नीचे सभी लोग तैयार होकर आ जाएंगे, आने ही वाले हैं। मतलब फ़ोन आ गया कई बार मेरे पास, श्वेता का, डॉली का, इन सभी लोगों का। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये वाला सूट डाला है मैंने। पहले मैं दूसरा वाला सूट डाल रही थी लेकिन अभी के डैडी बोले नहीं ये वाला मत पहनो, तो फिर मैंने ये वाला सूट डाल लिया। और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, मैं नीचे आ गई हूँ और धीरे धीरे करके जो है सभी लोग आ गए थे। तो अभी कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, थोड़े बहुत ही आए थे। और यहाँ पर जो है भैया ने चाउमीन बनाकर तैयार कर दी है, भटूरे जो है वो गरम गरम ही बनाएंगे। तो खाना बहुत टेस्टी बनाया था इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, सभी लोगों को पसंद आया था। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और पार्टी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप लोग जो है देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। करीबन 2 बज गए थे हम लोगों को, 2 बजे तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी मज़े किए और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो प्लान जो है वो हम सारी लेडीज़ों ने ही बनाया था कि हम लोग जो है पार्टी करेंगे, लेकिन सारे जेंट्स लोग भी हम लोगों में शामिल हो गए थे। सब लोगों ने, मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं या कुछ, सब लोगों ने कह दिया कि ठीक है कर लो। तो बस यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ फुल इन्जॉय किया, सब लोग शामिल हुए, अच्छा लगा था काफ़ी। Thank you.
इधर तो देखो, तो यहाँ पर खाना वाना खाकर हम सभी लोग हो चुके हैं फ्री, और उसके बाद जो है हम लोग बैठ गए थे गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमने कुछ गेम वगैरह खेले थे, और उसके बाद जो है सभी लोगों ने बहुत डांस वगैरह किया था। तो यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है, सबसे ज़्यादा बच्चे इन्जॉय करते हैं, और हम लोगों से ज़्यादा ना आज का बच्चों को वेट था। तो बस यहाँ पर हम लोग गेम वगैरह खेल रहे हैं। लक्ष्मी बहुत भारी काम कर रहा हूँ।
कोई चीटिंग कर रही है। मिस्टर बढ़िया है, सबको बता रही है गाने। भाभी गाओ, कुर्सी है बसंती बनेगी यहाँ। नहीं धर्मेंद्र बनेंगे, धर्मेंद्र कैसे चिकनी चेहरे तो कैसे बन गया।